हेलो एवरीवन। तो आज आपके सामने सेल्टॉस का एक ऐसा मॉडल लेके आया हूँ जो सबसे बेस्ट मॉडल जिसको बोलते ना, ये सामने आज आप सामने देखने वाले हैं। एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी में एक अच्छे माइलेज वाली कार, फीचर के साथ सारे कंप्लीट है, मतलब जो बेसिक वाले फ़ीचर है ना वो इसमें ज़रूर मिल जाएंगे। क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं, कितने में आ रहा है, माइलेज कितना दे देता है, फीचर्स क्या क्या आ रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले वेरिएंट के नाम से। तो ये जो सबसे वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट है ना, ये सेकेंड बेस मॉडल का है, यानी HTK मॉडल है। मतलब HTK मॉडल में क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे इसके फ्रंट में देखेंगे। फ्रंट का यहाँ पे ग्रिल नोट करेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त सा यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो है मैट फिनिशिंग में, यहाँ पे इसका प्लास्टिक फिनिशिंग में कह लो, ग्रिल यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस पैटर्न में, और हर जगह पे यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग जरूर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से लेके देखिए, ये जो है सिल्वर फिनिशिंग है, टेक्चर के साथ है। यहाँ पे जो है सिल्वर फिनिशिंग यूज़ किया गया है, ये जो है ट्रीटमेंट यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग है। यहाँ पे देखो एक अलग ही टेक्चर यहाँ पे दिया गया है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे लग रहा है। नीचे जो है सिल्वर कलर का स्किड प्लेटें भी मिलता है, और इस कार में सेकेंड बेस मॉडल में आपको मिलता है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, वो भी दो नहीं बल्कि चार चार, एक दो तीन और एक चार। तो चार यहाँ पे फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स मिल दे देते हैं, जिससे कि कहीं पे भी टाइट एरिया में अगर आप गाड़ी को पार्क करते हैं ना तो इजीली पार्क कर पाएंगे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे, इस मॉडल में आपको जो है फॉग लैम्प मिल जाता है, इसी वेरिएंट से स्टार्ट होता है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग है, देख सकते हो अंदर प्रोजेक्टर फॉग लैम्प यहाँ पे मिल रहा है, सही है। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स यहाँ पे मिल जाता है, ज़बरदस्त है। क्रोम ट्रीटमेंट अंदर दिया गया है, बढ़िया है। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे हाइलोजन बल्ब के साथ है, और यहाँ पे जो है इसका छोटा सा पायलट लैंप यहाँ पे दिया गया है। तो ये है कार का फ्रंट प्रोफाइल, जो कि सेकंड बेस मॉडल के हिसाब से बहुत ही अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। अब आते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड से देखेंगे आप तो ये देखो भाई, काफ़ी लंबी गाड़ी यहाँ पे मिल जाता है। और डायमेंशन की बात करेंगे तो स्क्रीन पे शो कर रही है, व्हील बेस, डायमेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस, सारी चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हो पॉज करके। यहाँ पे जो है इसके व्हील्स यहाँ पे देखेंगे तो व्हील कवर के साथ यहाँ पे मिल रहा है कुछ इस तरीके से है। देखो सिल्वर व्हील कवर है, 5 नट के साथ है, स्टील रिम है, सही है। बेस मॉडल सेकंड बेस के हिसाब से सही यहाँ पे मिल रहा है, 205/65R16 का यहाँ पे मिल रहा है टायर जो है। यहाँ पे व्हील आर पतली सी यहाँ पे मिल जाता है। एक चीज़ सबसे बढ़िया है, बेस से ऊपर वाला मॉडल है तो फेंडर से उठ के यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। ये जो ORBM है, ORBM यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाता है, बट मैनुअली यहाँ पे फोल्डेबल रहता है कुछ इस तरीके से। ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ यहाँ पे A पिलर मिल जाता है। B पिलर देखेंगे तो मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये सनसेट यहाँ पे मिल जाता है। सही चीज़ है, बहुत यूज़फुल चीज़ है जो इसमें मिल रहा है। बॉडी कलर के डोर हैंडल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीजल टैंक है यहाँ पे, और ये जो है इसका डेफ टैंक आता है। डेफ मतलब कि जो है यूरिया जो होता है वो यहाँ पे पड़ता है, डीजल के साथ यहाँ पे यूरिया पड़ने लग गया है आजकल, तो आपको पता ही है। और इसकी टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो 50 लीटर का मिलता है, सही है, बढ़िया है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये आपको मिल जाता है, यहाँ पे सेकंड बेस मॉडल होने की वजह से रूफ रेल्स यहाँ पे मिलता है। तो ज़बरदस्त है कार का साइड प्रोफाइल, आप देख ही सकते हैं। अब आते हैं गाड़ी के रियर की तरफ। तो रियर देखो भाई, मज़ा आ जाएगा भाई, सेकंड बेस मॉडल के हिसाब से कुछ ऐसा आपको यहाँ पे रियर प्रोफाइल कार का मिलता है। प्लेन ग्लास है, देख सकते हो, कोई डिफॉगर कोई वाइपर यहाँ पे नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, अंदर के जो बल्ब्स हैं वो हैलोजन बल्ब हैं। ऊपर जो है शार्पिन एंटीना ये मिल जाता है। यहाँ पे जो है इसके लाइटें वगैरह देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर ये हो गया, यहाँ पे ब्रेक लाइट्स हो गए कुछ इस तरीके, जो कि हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे सेल्टोस लिखा हुआ मिल जाता है, और ये जो है ना यहाँ पे जो ऊपर वाले मॉडल्स में जो कनेक्टेड वाली, कनेक्टेड खैर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ से सेपरेट रहता है, जो टेल लाइट्स होते हैं वो इसमें नहीं मिलता है, खाली डिज़ाइन है अंदर का, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेल्टोस लिखा हुआ है मिल जाता है भाई। इसमें मिल जाता है कैमरा, मतलब कंप्लीट है भाई, कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो है रिवर्स लैंप रिफ्लेक्टर यहाँ पे यूज़ किया गया है, और नीचे एकदम स्किड प्लेटें इसका रियर वाले मिल जाते हैं। तो ये था कार का रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके से। अब इसकी बूट की बात करते हैं तो ये देखो भाई, है ना, सही स्पेस के साथ
सही प्रैक्टिकली जो यूज़ होते हैं ना जो बूट स्पेस का, वो सेल्टॉस का यहाँ पे होने वाला है। बढ़िया स्पेस के साथ यहाँ पे मिल रहा है, 433 लीटर का बूट स्पेस इसमें मिलता है कुछ इस तरीके से। लगेज लैंप सेकंड भी इस मॉडल से दे दिया है, सही है। हुक्स यहाँ पे मिल जाता है, बाकी स्टेप नहीं देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है। प्रोफाइल 205/65R16 का यहाँ पे मिलता है कुछ इस तरीके से, जैक वगैरह इसी के अंदर है। तो ये है इसका बूट स्पेस की बात। यहाँ पे जो है इसको बंद करने के लिए क्रैब हैंडल भी दिया है, करते हैं इसको बंद। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ, तो अंदर में क्या क्या मिलता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले डोर ओपन करते हैं, तो डोर ओपन करते ही आपको दिखेगा यहाँ पे ऑल ब्लैक इंटीरियर और साथ ही साथ जो है सिल्वर ट्रीटमेंट थोड़े थोड़े जगह पे यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका देखेंगे तो यहाँ पे डोर लीवर जो है सिल्वर यहाँ पे फिनिशिंग के साथ यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे सेंटर लॉकिंग वाला लॉक यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे चारों को चारों पावर विंडो, ड्राइवर वाला ऑटो डाउन फीचर के साथ आता है बट ऑटो अप नहीं आता इसमें। सेंटर लॉकिंग वाला बटन, मिरर एडजस्ट करने वाले बटन यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है। यहाँ पे बॉटल होल्डर, स्पीकर ग्रिल, यहाँ पे ट्विटर्स के लिए स्पेस दिया है बट इसमें ट्विटर्स नहीं आते सेकंड बेस मॉडल में। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका सीट कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल रहा है। देखो ये कुशनिंग जो है वो डिसेंट है, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, लेकिन जो है अंडर थाई सपोर्ट के लिए यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है। हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे सीट मिलता है मैनुअली, तो जैसा आप चाहे इसकी सीट की हाइट वैसा एडजस्ट कर पाएंगे। भाई एयरबैग की बात करेंगे तो सीट में भी इसमें एयरबैग आ जाते हैं, देखो कुछ इस तरीके से टोटल 6 एयरबैग इस कार में आने लग गए हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन चीज़ करा है किया वालों ने। यहाँ पे देखेंगे तो हेडलाइट लेवल करने वाला बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप को ऑफ करना है, ट्रैक्शन डिसेबल को ऑफ करना है, तो यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। एसी वेंट के चारों तरफ यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे अलग एक टेक्चर के साथ यहाँ पे डैशबोर्ड में मिल रहा है। अंदर बैठते हैं, एक बार कार की कीज़ देख लो पहले, ये है कार की कीज़ भाई, और क्या चाहिए। सेकंड बेस मॉडल में आपको रिमोट की यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन मिलता है। फ्लिप की है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे है, की का जो वेट है वो ज़बरदस्त यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे जो है ये दोनों के दोनों यहाँ पे रिमोट की यहाँ पे मिलता है बटन के साथ है। अब बैठे अंदर, बहुत ऊँची यहाँ पे आपको फील होने वाला है। तो ये है कार का इंटीरियर, देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। जो स्टेयरिंग यहाँ पे मिलने वाला है वो राउंड शेप में मिलने वाला है देखो, और जैसा नॉर्मल स्टेयरिंग आता है वैसे ही आएगा। सिल्वर ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। इधर जो है म्यूजिक के कंट्रोल्स दिए गए, सही चीज़ है। इधर जो है क्लस्टर को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। और ये जो स्टेयरिंग है ये टिल्ट और नहीं बस टिल्ट दिया है यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वाइपर वाले फंक्शन, इस साइड को हेडलाइट वाले फंक्शन जो कि ऑटोमेटिक हेडलाइट के साथ यहाँ पे मिल रहा है। एक बार आपको क्लस्टर ऑन करके दिखाता हूँ, तो देखो भाई पूरा का पूरा डिजिटल यहाँ पे क्लस्टर मिल जाता है। बीच में जो है इसका इन्फॉर्मेशन जो मिलता है वो बीच में मिलता है कुछ इस तरीके से। ऑटो स्टॉप जो फीचर है वो ऑन है कि ऑफ नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो क्लस्टर लाइट, डोर, ये सारे सेटिंग्स यहाँ पे आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और ये TPMS यहाँ पे आ जाता है हाईलाइन के साथ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। इधर RPM, इधर स्पीडोमीटर यहाँ पे शो करता है, सही है, ज़बरदस्त यहाँ पे लग रहा है। इधर म्यूजिक सिस्टम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। साइज जो है यहाँ पे 8 इंच का यहाँ पे मिल जाता है और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है गाइस, तो कोई भी टेंशन यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो मैपिंग वगैरह का काम आराम से इजीली आप इसमें कर सकते हो। म्यूजिक की क्वालिटी की बात करेंगे तो बहुत अच्छे यहाँ पे साउंड क्वालिटी के साथ यहाँ पे मिलता है। AC वेंट्स यहाँ पे हो गया कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे हेजर लाइट वाला बटन हो गया, मैनुअल AC यहाँ पे मिलता है। ये हो गया इसका टाइप सी पोर्ट, यूजी पॉइंट, और यहाँ पे 120 वाट का 12 बोल्ट पॉइंट यहाँ पे मिलता है। फोन रखने के लिए स्पेस, सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पे मिल रहा है कुछ इस तरीके से, ये खाली है। पार्किंग फ्रंट वाला ऑन है, ऑफ करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो लेदर फिनिशिंग है। ट्रांसमिशन यहाँ पे 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, 1 reverse के साथ यहाँ पे मिलता है, डीजल में यही आता है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अलग से एक चीज़ दिया है इस तरीके से, बट इस साइड में नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे जो है टांग यहाँ पे यूज़ होता है कभी कभी लगता है, तो इसको हटा दिया है कम्फर्ट कराने के लिए। यहाँ पे देखो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड मिलता है, कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे है। और यहाँ पे हो गया इसका डैशबोर्ड, ऊपर जो है कुछ आपको लगेगा कि यहाँ पे स्पीकर का ग्रिल्स यहाँ पे दिए गए, बट ऐसा नहीं है। इस मॉडल में स्पीकर यहाँ पे सेंटर में नहीं आते हैं, यहाँ पे जो है ग्रिपिंग के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ दिया गया है। बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है, देख सकते हो कार का डैशबोर्ड। IRBM जो है मैनुअली डिनेट एडजस्टेबल के साथ यहाँ पे आता है। इधर जो है टिकट होल्डर, सनग्लासेस होल्डर, लाइटें हैलोजन में, इधर जो है वैनिटी मिरर बड़ा सा यहाँ पे मिलता है, हैंड ब्रेक, कप होल्डर, आर्म रेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। लेदर है ये, सही है।
अब इसका एक बार रियर कैबिन एक बार आपको दिखाता हूँ कितना क्या स्पेस वगैरह मिलता है। तो पहले ये वाली जो सीट है वो मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा और हो जाएगा लेकिन मैं मैक्सिमम पीछे रखता हूँ। चलते पीछे, सबसे पहले डोर देख लो आप। मैं ये बता रहा था ये जो चीज़ है काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलता है, ये सनसेट जो है काफ़ी बढ़िया काम करता है, मतलब थोड़ा सा प्राइवेसी भी अंदर दूर से दिखता नहीं कि अंदर कौन बैठा है, और जो है ये जो है धूप यहाँ पे रोक देता है, प्रोटेक्ट करता है, तो अंदर जो है गर्मी कम होती है इसकी वजह से। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो है सिल्वर कलर का डोर लीवर हो गया, ये हो गया अपना सेंटर लॉकिंग वाला बटन, यहाँ पे जो है पावर विंडो वाला बटन, ग्रैब हैंडल, यहाँ पे देखो स्पीकर ग्रिल, बॉटल होल्डर, ये सारी चीज़ें इसमें मिलता है। अब इस यहाँ पे सीट देखेंगे ना इसमें, तो ये प्रॉपर जो है फैब्रिक के साथ ही मिल रहा है, देखो फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ है। तीनों पैसेंजर के लिए यहाँ पे सीट बेल्ट जरूर यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी वो नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं सेंटर आर्मरेस्ट। बाकी जो है ये जो सीट है ये बेंच फोल्डिंग के साथ यहाँ पे आता है, अंदर बैठेंगे ना इसमें तो देखो सही स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, सही है, बढ़िया स्पेस है, मतलब कि लेग रूम भी बढ़िया है और हेड रूम भी ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो है एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं कुछ इस तरीके से देखो, और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाता है दो दो, और फोन रखने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है। सीट बैक पॉकेट नहीं है, इस साइड में भी नहीं है। इधर जो है हैंडल हो गया, ग्रैब हैंडल, इस साइड में ग्रैब हैंडल मिल रहा है एक हुक के साथ है। यहाँ पे लाइटें हैं हैलोजन बल्ब के साथ है, तो सही है। तो ये है इसका कार का रियर इंटीरियर। अब इसके इंजन की बात करते हैं, क्या कुछ इसमें पावर मिलता है इंजन में और माइलेज कितना है। तो बोनट ओपन कर लेते हैं, यहाँ से बोनट ओपन होता है, ये है इसका डीजल इंजन, जो सेम क्रेटा में जो इंजन आता है वही इंजन इसमें भी मिलता है सेल्टॉस में, आपको पता ही है CIDI इंजन आता है 1.5 लीटर का, और इसमें जो पावर प्रोड्यूस करता है वो 115 BHP का पावर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। जो टॉर्क की बात करेंगे तो 250 NM का टॉर्क यहाँ पे जनरेट करता है, देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है, रिफाइंड इंजन है, बहुत अच्छा इंजन है, काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्मेंस मिलता है। करते हैं इसको बंद, अब आते हैं गाड़ी के माइलेज के ऊपर, तो कितना ये माइलेज दे देती है। माइलेज की बात करेंगे तो लगभग ये 20 km तक का माइलेज यहाँ पे निकाल देती है आराम से ईजिली, बाकी जो है सिटी और ड्राइव के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं इसके कीमत के ऊपर, कितने में ये सारे फीचर्स के साथ ये गाड़ी मिल रहा है। एक्स शोरूम कीमत जो है इसका वो 13,68,000 इसका एक्स शोरूम कीमत है, भाई सही एक्स शोरूम कीमत में आपको ये वाली गाड़ी मिल रहा है यहाँ पे। और ऑन रोड की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मैं दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट करके इसका ऑन रोड प्राइस पता कर सकते हैं और साथ ही साथ गाड़ी को बुक भी करा सकते हैं। कैसी लगी गाड़ी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।